इस वेबसाइट में जो मैं भी फॉलो करता हूँ, वो हम वेटरनेरियन का एक मैनुअल है जिसको कहते हैं मार्क्स वेटरनरी मैनुअल 11th एडिशन। इसमें लिखा हुआ है कि कौन से तरीके से, किस कारण वजह से कारण से वो डॉग का वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो वो इस मैनुअल के आधार पर इस डॉग्स का वैक्सीनेशन शेड्यूल बना है। और ये देखिए, तो जब डॉग का वैक्सीनेशन बना देते हैं तो पहला वैक्सीन देते हैं हम लोग 6 से 7 सप्ताह पर, फिर दूसरा देते हैं 9 से 10वें सप्ताह में, और फिर तीसरा देते हैं 12 से 13वें हफ्ते पे, और फिर चौथा देते हैं 16 से 17 हफ्ते में। तो ये है डॉग्स का वैक्सीनेशन शेड्यूल। अब आइए देखते हैं कौन सा वैक्सीनेशन पहले देते हैं जो 6 से 7 सप्ताह में होता है। ये जनरली 6 से 7 सप्ताह में, 4 सप्ताह मतलब डॉग का उम्र जब 45 दिन का हो जाता है, तो फर्स्ट वैक्सीनेशन जो करते हैं डॉग का, वो उससे वो है कैनाइन पार्वो वायरस से, कैनाइन डिस्टेम्पर वैक्सीन, कैनाइन एडिनो वायरस टाइप 2, कैनाइन कोरोना वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, लेप्टोस्पायरा और लेप्टोस्पायरा कैनिकोला। तो इन पांचों, इन ये जो 5-7 वैक्सीन हैं, इनसे देते हैं, 5 मुख्य हैं, इससे वैक्सीनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई छोटे मुंह वाला डॉग जैसे पग हुआ, वो अगर रहेगा, तो इसके अलावे भी एक और वैक्सीन दिया जाता है जिसको कहते हैं केनल कफ वैक्सीन। केनल कफ वैक्सीन पग्स को देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों में कफ होता है, कफ से वो दम घुटने लगता है, तो वो कफ जैसे ना हो जो केनल कफ है, इसलिए हम लोग उसे केनल कफ वैक्सीन भी देते हैं। ये 6ठे और 7वें सप्ताह के बीच में दिया जाता है। द्वितीय वैक्सीन्स, सेकेंड वैक्सीनेशन जो है, ये वैक्सीन सी फिर रिपीट किया जाता है, थर्ड में भी यही रिपीट किया जाता है और फोर्थ में भी ये रिपीट किया जा सकता है। ये जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वैक्सीनेशंस के बीच में 15 से 21 दिनों का अंतर रखा जाता है। इसमें मुख्य बातें हैं कि जो लेप्टोस्पायरा, इसमें आई बात, लेप्टोस्पायरा एक ऐसी बीमारी है जो समझिए डॉग से मनुष्यों को आती है। उससे पहले ये जान लें कि चौथे थर्ड और फोर्थ वैक्सीन में जो मैंने वैक्सीन बताया, उनके साथ साथ रेबीज़ भी देना ज़रूरी होता है। ये देखिए, यहाँ रेबीज़ भी लिखा हुआ है फोर्थ वैक्सीनेशन में। थर्ड एंड फोर्थ में अगर दिया जाए, दोनों दो बार रिपीट किया जाए, तो सबसे बढ़िया। और ये जो है, इसमें दो वायरस ऐसे हैं जो डॉग से मनुष्यों को हो सकती हैं। एक तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, रेबीज़ है, वो डॉग अगर काट लिया तो और मनुष्यों को हो सकते हैं। और दूसरा है लेप्टोस्पायरा। लेप्टोस्पायरा डॉग के पेशाब से, जिसको हम लोग मतलब अगर टच करते हैं, तो हम लोगों के शरीर में उस डॉग के पेशाब से वो बीमारी आ सकती है। तो ये लेप्टोस्पायरा का भी वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। अब इसमें बात आती है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि कोरोना वायरस देने का क्या ज़रूरत है, कोरोना वैक्सीन तो का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कोरोना तो होता नहीं है। तो कोरोना जो है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो क्या करता है कि दूसरी बीमारियों की सीवियरिटी को बढ़ा देता है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं खूनी दस्त जो होता है डॉग में, जिससे काफ़ी सारे डॉग्स की जान जाती हैं, उनको जो पार्वो वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, तो वो अगर किसी वीक डॉग को हो जाए और उसके साथ साथ कोरोना का भी आक्रमण हो जाए, तो उसकी मृत्यु एकदम तय है। ऐसे मजबूत डॉग अगर है, कोरोना का उसमें अफेक्शन नहीं होता है, तो
मतलब अगर पार्वो हो भी जाता है तो कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोरोना साथ में मिल जाए तो समझिए कि डॉग का बेड़ा गर्क, उसकी मृत्यु लगभग तय है। इसके अलावा एक और जो है सेकंड में आप देखेंगे, कैनाइन डिस्टेंपर वैक्सीन है। तो कैनाइन डिस्टेंपर वैक्सीन डिस्टेंपर भी काफ़ी ख़तरनाक है डॉग्स के लिए। डिस्टेंपर अगर हो जाए तो उसको नर्व की बीमारी हो जाती है, डॉग जो है मिर्गी टाइप का दौड़ाता है और कभी कभी पूरा बॉडी ही कांपने लगता है और उससे मृत्यु उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी वैक्सीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि बाज़ार में कौन कौन से वैक्सीन्स उपलब्ध हैं। ये देखिए, पहला है वैनगार्ड। वैनगार्ड में है कैनाइन डिस्टेम, इसको हम लोग कहते हैं वैनगार्ड 5CVL4 या वैनगार्ड 5CV। इसमें काफ़ी सभी तरह का जो है कि इसमें कोरोना मिला हुआ वैक्सीन है और ये बहुत ही बढ़िया है, कंपनी है जेटिस कंपनी का है और ये जो है बहुत ही जांचा परखा हुआ बहुत ही अच्छा वैक्सीन होता है। तो इस वैक्सीन को करने से अगर 4 बार इस वैनगार्ड वैक्सीन को दे दिया जाए तो फिर वो आपका डॉग सुरक्षित रहता है सभी बीमारियों से। इसके अलावा लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। और इसके अलावा फिर और एक वैक्सीन्स हैं, ये नोवीवैक DHPPI। नोवीवैक DHPPI में सभी एसेंशियल वैक्सीन्स होते हैं, वायरस के वैक्सीन्स होते हैं सिर्फ कोरोना छोड़ के। ये भी काफ़ी प्रचलित है, ये वैनगार्ड से थोड़ी सस्ती होती है। जैसे वैनगार्ड अगर 1300 रुपया अभी चल रहा है शायद 1300 रुपया में का है, तो अभी DHPPI आपको 700 रुपये में हो जाएंगे। लेकिन हाँ, रेट टाइम टू टाइम वेरी करता है। फिर आता है सबसे प्रचलित जो अभी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैक्सीन मेगावैक 6 और मेगावैक 7। इसमें क्या है, मेगावैक 6 या 7 में सभी बीमारियों का है और इसके साथ साथ ऊपर देखेंगे मेगावैक CC है, CC में कोरोना रहता है, कोरोना इसमें अलग से आता है। तो इसे भी लोग देते हैं, काफ़ी पॉपुलर है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल कंपनी का है, भारतीय कंपनी है लेकिन अच्छा है, तो ये भी दिया जा सकता है। तो ये 3 तरह का प्रचलित वैक्सीन्स हैं। इसके अलावा और एक है इंटास कंपनी का K5, वो भी अब बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो मात्र डिस्टेंपर और पार्वो को ही ज़्यादा वायरस वैक्सीन उसमें उपलब्ध है, और लेप्टोस्पायरा। बाकी उसमें एक और जैसे बीमारी, जैसे यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये जो है पारा इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन K5 में नहीं होता है। खैर, वो तो खैर प्रोडक्ट की अपनी अपनी बात है। अब आते हैं बिल्लियों के वैक्सीन के बारे में। बिल्लियों के वैक्सीन के बारे में जैसे आप देख रहे हैं, इसमें है कि फिलाइन कॉम्बो पैन ल्यूकोपीनिया वायरस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 6ठे सप्ताह में दिया जाता है एक डोज, उसके बाद फिर 3 से 4 हफ्ता के बाद फिर रिपीट किया जाता है। फिलाइन ल्यूकोपीनिया ल्यूकीमिया वायरस है, FELV जिसको कहते हैं, वो 8वें सप्ताह में दिया जाता है बिल्लियों को और फिर 3 से 4 हफ्ता के बाद फिर एक बार रिपीट किया जाता है। बॉर्डेटेला वैक्सीन है जो 8वें सप्ताह में इसे भी देते हैं और इसे भी 4 हफ्ते बाद फिर रिपीट कर सकते हैं। लेकिन बिल्लियों के वैक्सीन्स जैसा देखेंगे 6ठे हफ्ता में, 8वें हफ्ता में और छठे हफ्ता में और 8वें हफ्ता में आप दे सकते हैं। और ये जो है इन्हें वैसे 4 डोज जैसे हम लोगों ने दिया है, तो वो उस तरह का देने का कोई ज़रूरत नहीं, डॉग्स के केस में जैसे दिया जाता है उस तरह का देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और रेबीज़ भी उन्हें दिया जाता है, जैसे
रेबीज़ एक डोज है 8वें सप्ताह में, और दूसरा है नहीं फिर री वैक्सीनेशन 1 साल के बाद ही करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये कैट्स एंड डॉग्स का वैक्सीनेशन